पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जगाधरी जेल में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह से मिलने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हुड्डा जेल में जाकर अनुभव इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जेल में जाकर क्या क्या करना पड़ता है और कैसे एक ही चादर में सोना पड़ता है क्योंकि वो भी जल्द ही जेल जाने वाले हैं। राज्यसभा सदस्य कुमारी चलजा के दलित के घर बीजेपी नेताओं के खाना खाने के बयान पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी दलितों के काम करती आई हो और यदि बीजेपी के एमएलए या एमपी दलितों के घर में जाकर खाना खाते हैं तो इससे कांग्रेसियों को क्या तकलीफ होती है। अभय चौटाला के गैर बीजेपी और कांग्रेसी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनने के बयान पर अनिल विज ने कहा कि ये अभय चौटाला को तय करना है कि उन्होंने बसपा के साथ समझौता किया है, अब उनको किस दल के साथ जाना है। बिल्कुल, वो जाकर अनुभव इकट्ठे कर रहे हैं कि जेल में किस किस प्रकार का जीवन होता है, क्या क्या करना पड़ता है और कैसे खाली एक चादर में ही सोना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं क्योंकि जल्दी वो भी जेल जाने वाले हैं। और अगर हमारे एमएलए एमपी दलितों के घर जाकर भोजन करते हैं तो उससे इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इनको इसलिए तकलीफ होती है कि उन्होंने उनको हमेशा अपने से दूर रखा, खाली वोटों की तरह इस्तेमाल किया, इन्होंने कभी भी उनके साथ आत्मीयता वाले संबंध नहीं बनाए। अब ये तो अभय चौटाला को डिसाइड करना है, उन्होंने बीएसपी के साथ समझौता किया है कि उनको किस दल के साथ जाना है। अब जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने की बातें कर रहे हैं, तो वो तो किसी भी प्रकार से जायज नजर नहीं आती।